नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं, पटना के आदित्य कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के साथ ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जम करके बरसे हैं और उन पर आपको बता दें बीजेपी का बी टीम होने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि ईडी ने किसी समझौते के तहत तेजस्वी यादव यानी कि राजद का जो संपत्ति था 300 करोड़ का जो संपत्ति जब्त किया था ईडी ने उसे रिलीज कर दिया है और इसके पीछे उन्होंने एक बड़ी बात बड़ी योजना होने की बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यहाँ जो विपक्ष है वो दरअसल विपक्ष नहीं है बल्कि भाजपा का भी टीम है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कांग्रेस से कहा है कि कांग्रेस जहां भी उन्हें रखना चाहेगी उसके लिए वो तैयार है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजा है और हम रंक है तो फैसला कांग्रेस को करना है। राहुल गांधी जी से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, अगर राहुल गांधी जी उनसे बातचीत करते हैं और इसके बाद कल जो है आपको बता दें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल जो है उनके पार्टी यानी कि जाप का जो है कल जो है उनकी कोर कमेटी का बैठक है, बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि जाप का क्या करना है, या तो गठबंधन में जाना है या फिर विलय करवाना है, इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कही। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो राजस्व माफ कीजिएगा जाप सुप्रीमो है पप्पू यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। नागपुर से कोई कैंडिडेट की बात नहीं, कांग्रेस जिसको कैंडिडेट बनाएगी मैं सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस जिसको कैंडिडेट बनाएगी मैं सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस जिसको कैंडिडेट भैया भैया मैं अपनी पार्टी का क्या सपोर्ट करेंगे? ठीक है तो कांग्रेस यदि हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी को सपोर्ट करें ना हम वहां देंगे कैंडिडेट लड़ेंगे। राहुल जी को करना है सर, वो पार्टी हमारे पार्टी के फैसले पर छोड़िए ना, कल बैठक है, आज संसदीय दल कल कोर कमेटी, फिर मैं तय करूंगा और राहुल जी से जाके मिलूं। देखिए मैं एक मिनट, मैं आपसे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे भाई, आप हमारे बहुत सुचिंतक हैं और सब लोग हैं। कल यदि पप्पू यादव इतने बड़े हालात में भारत में नंबर टू पे ट्रेन कर रहे थे 4 घंटा, वो देन आप सबकी। देखिए एक बात बताए, कांग्रेस राजा है मैं रंग हूँ, क्या बात, तय राजा को करना होता है रंग को नहीं, क्या बात। मेरी बात तो सुनिए, हमसे पूछना ही नहीं गया, जानते ही नहीं, तय राजा को करना होता है रंग को नहीं। सवाल अभी विधानसभा नहीं नहीं अभी नहीं 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 कोई तारापुर नहीं, तारापुर में कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट है, जन अधिकार पार्टी हम कंप्लीट कैंप करेंगे, अभी हम आए हैं कोर कमेटी। सुनिए सर, सर मैं धन्यवाद दूंगा उनको, मैं स्वागत करूंगा, वो सम्मानित भाई है मेरे जी। सर मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी जी से हमारी वार्ता यदि हुई, कभी कांग्रेस यदि हमें राहुल गांधी जी से वार्ता करने के लिए बुलाया और बिहार के निर्माण में जो हालात हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से नफरत या बिहार को आसाम और मणिपुर और उत्तर प्रदेश बनाकर बांटना चाहती है, यदि कांग्रेस अपनी भूमिका में आते हैं और राहुल गांधी जी से हमारी वार्ता होगी और फिर हमारे साथ हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। कल हम सुबह पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाए हैं, कल हम बैठक करेंगे, फिर हमारे परिवार आप जानते हैं कि रंजीत रंजन जी कांग्रेस में, मैं उनसे भी बात करूंगा और दो पहलू के बाद हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा उसके बाद हम राहुल गांधी जी से मिलेंगे और मिल के तय करेंगे कि हमें बिहार की भूमिका में कहाँ देखना है, गठबंधन के साथ रहना है कि मर्जर या अभी नहीं, वो बाद में तय बढ़े। हम कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ जन अधिकार पार्टी सपोर्ट करेगी उनके दोनों विधानसभा। अपराध ही चला रहा है, 302 मुकदमा जिसपे है तरीपार, जो जिन लोगों ने किसान पर गाड़ी चढ़ाए हैं उन्होंने धमकी दिया है, धमकी कहा है कि मैं जानना चाहता हूं, सीधा उन्होंने कहा कि मुझको पहचान लो, मैं गृह मंत्री नहीं हूं, मैं गृह मंत्री के पहले हमारी औकात इतिहास जान लो, इतिहास उसका क्रिमिनल का है,
कई मुकदमे हैं 302 के अपहरण के। उसी तरह तीनों मंत्री जो गृह मंत्रालय के हैं, तीनों दरिपार अपराधी, और वो चला रहे हैं भारत के गृह मंत्री। वो मैं प्रधानमंत्री जी से उस मंत्री की बर्खास्तगी, उसके बेटे पर 302 का मुकदमा, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी मैं चाहता हूं। इस मुद्दे को लेकर के कल से हमारी पार्टी आंदोलन के लिए अनवरत आंदोलन करेगी। जो किसानों पर जुल्म हो रहा है उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जो बाढ़ में पप्पू यादव को सेवा करने से रोका गया, वो उस मुद्दों पर हम लगातार, हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है। 5 महीना हमारी पार्टी, युवा मोर्चा, छात्र, युवा शक्ति, महिला, दलित, पप्पू ब्रिगेड, सभी प्रकोष्ठ के लोग जिस तरीके से लगातार सड़कों पर सेवा कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल भर रहे हैं, हर लोगों तक खाना पहुंचाया गया है मेरे एब्सेंट में 11 तारीख के बाद, यह सिर्फ जन अधिकार पार्टी के साथियों ने किया। और मुझे गर्व है कि हमने पटना के हर गरीबों तक खाना पहुंचाया। मेरे जाने के बाद हमारे साथियों ने एक एक लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया। मैं इससे ज्यादा आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिहार के निर्माण में हमारी भूमिका बिल्कुल क्लियर है। मैं एक विपक्ष है जो सौदे करके सिर्फ काम करती है, और आप देख लिए जो सशक्त विपक्ष थी, जो भारत में नफरत के खिलाफ लड़ रही हो, जो भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हो, संविधान की रक्षा के लिए जो पार्टी लड़ रहा हो, उसी को ये लात मारती रहती है। सिर्फ जन अधिकार पार्टी के साथियों ने किया। और मुझे गर्व है कि हमने पटना के हर गरीबों तक खाना पहुंचाया। मेरे जाने के बाद हमारे साथियों ने एक एक लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया। मैं इससे ज्यादा आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिहार के निर्माण में हमारी भूमिका बिल्कुल क्लियर है। मैं एक विपक्ष है जो सौदे करके सिर्फ काम करती है, और आप देख लिए जो सशक्त विपक्ष थी, जो भारत में नफरत के खिलाफ लड़ रही हो, जो भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हो, संविधान की रक्षा के लिए जो पार्टी लड़ रहा हो, उसी को ये लात मारती रहती है। इससे समझ लीजिए इनकी पूरी मिलीभगत कंप्लीट रूप से है। मैं सिर्फ एक आग्रह के साथ खत्म करूंगा कि मैं कांग्रेस से चाहता हूं वो एक सशक्त बिहार निर्माण की भूमिका निभाए। जहां भी वो भूमिका निभाएगी, चाहे वो दोनों विधानसभा पर मजबूत कैंडिडेट को देंगे, जन अधिकार पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बहुत क्लियर, मैं सेवा करता रहूंगा। कांग्रेस से मेरी बिल्कुल आग्रह है कि दोबारा आप फिर इन वारूपियों के फेर में नहीं पड़िएगा। भारत जिस तरह आपको देखना चाहती है, और राहुल गांधी जो नए भूमिका में कांग्रेस को नए निर्माण की ओर बढ़ाना चाहते हैं, वो तय राहुल गांधी को करना है कि कौन से ऊर्जावान व्यक्ति भारत के कौन कौन होंगे जिसको नए कांग्रेस के निर्माण की भूमिका में आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जन अधिकार पार्टी, यदि कांग्रेस कंप्लीट रूप से ऐसी पार्टी को छोड़ती है, मुंह में राम बगल में छुरी, ना तो कमो थोरम थोरी, चित भी मेरी फट भी मेरी, हमरा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा, बिहार से सत्ता पक्ष विपक्ष गायब, और चुनाव आती है तो जाति मजहब और अपराधियों के नाम पर अपराधी को टिकट दे रहे दोनों जगह, माफिया को,
इसलिए कांग्रेस सशक्त उम्मीदवार को दे। कांग्रेस बिहार के हर जाति धर्म, महंगाई में गायब, एनआरसी में गायब, किसी भी मुद्दे पर वो बाढ़ में गायब। तो मेरा सवाल बहुत साफ है, 300 करोड़ रुपया ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया, जिसको सीज किया था, अटैच किया था 300 करोड़ किस समझौता के तहत। और पप्पू यादव की रिहाई माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि पप्पू यादव पर कोई केस ही नहीं बनता, हमारी बेल नहीं हुई, बेल हमको नहीं मिली। मुझे दुख है इस बात का, 5 महीना मुझे बेल चुट्टी केस में रहना पड़ा। कुछ विद्वान न्यायाधीश महोदय के चलते लोकतंत्र और संविधान आज भी बचे हुए, लेकिन जिस तरीके से एक बेल चुट्टी केस में, एक चार हाथ के रूम में जहां भर रात हम मूसा मारते थे, भर रात आगे मूसा काट ले पैर में, 4 DMCH में हम मूसा का मारने वाला लगाए हुए थे, सांप का डर होता था, डर से निकलते नहीं थे, आधा छाती पानी में हम 4 महीना बिताए हैं, 5 महीना। हाई कोर्ट में जब मेरा केस 162 पर आया, 100 पर आया, तो फिर दूसरे दिन मेरा केस 362 पे चला गया। लगातार मैं डर चुका हूं, डर गया हूं मैं पहली बार। मैं सरकार और दुनिया से लड़ूंगा। मैं आज भी जहां बच्ची का बलात्कार हुआ वहां 1 लाख रुपया मैं मदद करके अभी जस्ट आया हूं, दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। वो सवाल नहीं है, सेवा और संघर्ष, मैंने पहले ही कहा, ना मरने से डरता हूं, ना लड़ने से, ना संघर्ष से। अनवरत मेरे जीवन का लक्ष्य है इंसानियत और हर फैमिली को बचाना, उसके लिए काम करना, और वो मैं करूंगा। लेकिन बाढ़ में सरकार निश्चिंत हो गई, और बाढ़ वाले एक मंत्री हैं जो कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे अगले साल से, वो कोसी में जाके कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे। बाढ़ के पैसे की वसूली, और वो भी साजिश में, पप्पू यादव के गिरफ्तारी की साजिश में उनकी भूमिका। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को कि कम से कम उन्होंने मेरी, जब हम काफी सीरियस थे तो हमारे पुर में रहना पड़ा। कुछ विद्वान न्यायाधीश महोदय के चलते लोकतंत्र और संविधान आज भी बचे हुए, लेकिन जिस तरीके से एक बेल चुट्टी केस में, एक चार हाथ के रूम में जहां भर रात हम मूसा मारते थे, भर रात आगे मूसा काट ले पैर में, 4 DMCH में हम मूसा का मारने वाला लगाए हुए थे, सांप का डर होता था, डर से निकलते नहीं थे, आधा छाती पानी में हम 4 महीना बिताए हैं, 5 महीना। हाई कोर्ट में जब मेरा केस 162 पर आया, 100 पर आया, तो फिर दूसरे दिन मेरा केस 362 पे चला गया। लगातार मैं डर चुका हूं, डर गया हूं मैं पहली बार। मैं सरकार और दुनिया से लड़ूंगा। मैं आज भी जहां बच्ची का बलात्कार हुआ वहां 1 लाख रुपया मैं मदद करके अभी जस्ट आया हूं, दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। वो सवाल नहीं है, सेवा और संघर्ष, मैंने पहले ही कहा, ना मरने से डरता हूं, ना लड़ने से, ना संघर्ष से। अनवरत मेरे जीवन का लक्ष्य है इंसानियत और हर फैमिली को बचाना, उसके लिए काम करना, और वो मैं करूंगा। लेकिन बाढ़ में सरकार निश्चिंत हो गई, और बाढ़ वाले एक मंत्री हैं जो कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे अगले साल से, वो कोसी में जाके कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे। बाढ़ के पैसे की वसूली, और वो भी साजिश में, पप्पू यादव के गिरफ्तारी की साजिश में उनकी भूमिका। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को कि कम से कम उन्होंने मेरी, जब हम काफी सीरियस थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने पूछा कि पप्पू जी
ठीक है, और मैं ये भी धन्यवाद दूंगा, वो अलग बात है कि वो दबाव में अपने सहयोगियों के दबाव में दो महीना के बाद आए, लेकिन नीतीश जी मैं आपकी कमजोरी को सिर्फ और आपके पदाधिकारी जो काम करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है उस कमजोरी को मैं दिखाता हूं और वो मैं दिखाता रहूंगा जब जब जनता के प्रति उदासीनता आपकी रहेगी, और अभी है वो मेरा काम अनवरत रहेगा। मैं लेकिनपुर खदिमपुर भी मैं जाने वाला हूं, मैं वहां जितने किसान मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपया हमारी पार्टी की ओर से किसानों को वहां देंगे, वो पूरी घोषणा है। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी से ये सवाल है कि वो चुप क्यों? एम्बुलेंस कभी बालू में, कभी दारू में, कभी औरत की ढुलाई में गायब थी, पूरा का पूरा जो नर्सिंग होम है, जो फर्जी नर्सिंग होम है, वो लाखों करोड़ों रुपया लाश को खत्म करके मारने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हर फर्जी नर्सिंग होम में मौत का सन्नाटा, और अब हमने कह रहे हैं, नीति आयोग कहता है कि भारत का सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य विभाग और बिहार है, एक भी सरकारी अस्पतालों में कोरोना में लोग बचे नहीं, लगभग लोगों को मार दी गई, ऑक्सीजन नहीं था कहीं, कंप्लीट कोलैप्स कर गया था, ड्रग्स माफिया तबाह कर दिया था, कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसके घर पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचाया, कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने दवाई की उम्मीद की उन्हें मदद ना मिली हो, कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वेंटिलेटर की व्यवस्था ना की गई हो, लगभग वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने की, आईपैक की व्यवस्था हमने की। उसके बाद अचानक 11 तारीख को 4 मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, 3 अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर और 2 पदाधिकारी, 6 आदमी एक महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है, जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं, बहुत क्लियर थी। हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है, जब भी कोई घटना घटी कौन कौन मंत्री हैं जिनके यहाँ नर्सिंग होम है उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूँ, लगभग मिनिस्टर हैं जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, कई कई नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है, और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार को जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन चुरकुटों से बचना चाहिए, और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है, उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, अचानक 11 तारीख को 4 मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, 3 अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर और 2 पदाधिकारी, 6 आदमी एक महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है, जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं, बहुत क्लियर थी। हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है, जब भी कोई घटना घटी कौन कौन मंत्री हैं जिनके यहाँ नर्सिंग होम है उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूँ, लगभग मिनिस्टर हैं जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, कई नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है, और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार को जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं,
इन चुरपुटों से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है। उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, एम्बुलेंस माफिया से पैसा लिए हुए थे नर्सिंग होम से, उन लोगों ने साजिश करके 30 साल पहले भी एक बार हम पर साजिश हुई थी। और पुनः जब हमने सेवा और संघर्ष, जब पूरी की पूरी पार्टी विपक्ष गायब थी, तब हम लोग सड़कों पर थे। और 2 महीने के बाद 11 तारीख को जबरदस्ती जो फर्जी केस था जिसमें हमको बेल नहीं मिली है, एक कोई पार्टी है जो खुद आईबी और ईडी सीडी से डरती है, जो सीबीआई से डरती है, जिसका समझौता आंतरिक रूप से कंप्लीट बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का नाम नहीं लेती है, वह बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेती है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, चाहे कोई भी विचारधारा खत्म करके। क्या हुआ, ईडी के इतने केस उस वक्त प्रत्येक दिन अस्पताल कोर्ट जा रहे थे लोग, आज 1 सालों से ईडी का केस कंप्लीट साइड ट्रैक हो गया। और उन सिर्फ नीतीश कुमार सवाल होता है, बीजेपी सवाल उसके लिए नहीं होता। भारत बंद में गायब, सर अभी भैया अभी बेफिक्र रहे हैं आप, जो बोलते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बिहार के निर्माण में मैं खाद बनने को तैयार हूं। मैंने कहा था कि मरने के लिए मैं तैयार हूं, संघर्ष करूंगा। अभी मेरा सिर्फ इतना ही है, कांग्रेस की भूमिका मैं देखना चाहता हूं, आगे बढ़े, मैं कांग्रेस के साथ हूं। कांग्रेस से किसी नेताओं ने आपसे संपर्क किया? भैया हमारी टीम से, हमारी कमेटी से संपर्क में होंगे, मुझसे कोई संपर्क नहीं है। रंजीत रंजन जी कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, उनसे संपर्क में होंगे, मेरा कोई संपर्क। सर मैं चाहता हूँ बिहार की भूमिका में, बिहार का निर्माण, बिहार की सेवा समाप्त करने में जो सबसे बड़ी भूमिका उससे अलग होगी, वो हम कांग्रेस के साथ हमारी पार्टी सपोर्ट करें। सर ऐसे मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए सीधा। धन्यवाद सर, प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।